इसराइली जेलों में कैदोबंद कई फलस्तीनी नौजवान सालों से अपनी रिहाई के मुंतजिर है, जिनमें कलील आबादा भी शामिल है, जिन्होंने बतौर एहतजाज इसराइली जेल में खाना पीना तर्क कर दिया था, जिन्होंने 182 दिन बाद अस्पताल में भूख हड़ताल खत्म की है। कलील आबादा की रिहाई और उनके साथ इंसाफ करने की मांग को लेकर फलस्तीन व दीगर ममालिक में आवाज भी उठाई गई। बावजूद इसके इसराइली अदालतों में दायर दरख्वास्तों को बार बार रद्द किया गया है।